टीम इंडिया ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में हुई सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने शुभमन गिल के द्वारा नाबाद 126 रन के इस फॉर्मेट में पहले शतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रन की स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। पांड्या ने ब्लेयर टिकनर 1 रन, लोकी फर्ग्यूसन 0, ग्लेन फिलिप्स 2 रन और फिन एलन 3 रन के विकेट लिए। यह T20 रन क्रिकेट में रन के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी हार। भारत का पिछला रिकॉर्ड 143 रन से जीत का था। टीम इंडिया ने 2018 में आयरलैंड को 143 रन से हराया था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में 103 रन से हारी थी। भारत ने T20 इंटरनेशनल में किसी भी टेस्ट टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। पहले स्थान पर श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका ने 2007 में केन्या को 172 रन से हराया था। अगर टेस्ट न खेलने वाली टीमों का रिकॉर्ड भी शामिल करें तो T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड चेक रिपब्लिकन के नाम है। चेक रिपब्लिक ने 2019 में तुर्की को 257 रन से हराया था। गिल ने इस पारी में 63 गेंदों की पारी में 12 चौके और 7 छक्के जमाए। राहुल त्रिपाठी ने 44 का, हार्दिक पांड्या ने 30 और सूर्य कुमार यादव ने 24 रन बनाए। गिल T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट ने पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की पारी खेली थी। गिल ने हार्दिक पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 103 रनों की साझेदारी। तो न्यूजीलैंड के विकेट इस प्रकार से गिरे। पहला विकेट जो है कप्तान पांड्या ने पहले ओवर की 5वीं बॉल पर फिन एलन को स्लिप पर खड़े सूर्य के हाथों कैच कराया। दूसरे विकेट की बात करें तो दूसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह ने ड्वेन कॉनवे को पांड्या के हाथों कैच कराया। तीसरा विकेट दूसरे ही ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप ने मार्क चैपमैन को ईशान के हाथों कैच कराया। चौथा विकेट कप्तान पांड्या ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को स्लिप पर खड़े सूर्य के हाथों कैच कराया। पांचवा विकेट पांचवें ओवर में उमरान मलिक ने माइकल ब्रेसवेल को बोल्ड कर दिया। छठवां विकेट मावी ने सेटनर को सूर्य के हाथों कैच कराया। सातवां विकेट मावी ने इस सोड़ी को त्रिपाठी के हाथों कैच कराया। आठवां विकेट पांड्या ने लोकी फर्ग्यूसन को उमरान मलिक के हाथों कैच कराया। नौवां विकेट जो है ब्लेयर टिकनर को हार्दिक पांड्या ने ईशान के हाथों कैच कराया। दसवां विकेट डेरिल मिचेल को उमरान मलिक ने शिवम मावी के हाथों कैच कराया। और भारत के विकेट इस प्रकार से गिरे। पहला विकेट दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ब्रेसवेल ने ईशान किशन को LBW कर दिया। दूसरा विकेट ईशान सोड़ी ने राहुल त्रिपाठी को आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर डीप स्क्वायर लेग पर फर्ग्यूसन के हाथों कैच कराया। तीसरा विकेट 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर टिकनर ने सूर्या को ब्रेसवेल के हाथों कैच कराया। चौथा विकेट 20वें ओवर की पहली बार पर डेरिल मिचेल ने हार्दिक पांड्या को ब्रेसवेल के हाथों कैच कराया। सीरीज के टॉप बैटर की बात करें तो शुभमन गिल जो है 3 मैचों में 144 रन, स्ट्राइक रेट 184.61 रन पर है। डेरिस मिचेल न्यूजीलैंड के दूसरे नंबर पर है, 3 मैच में 102 रन, स्ट्राइक रेट 150। और सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर है, 97 रन बनाकर स्ट्राइक रेट 124.35। और सीरीज के टॉप बॉलर में अर्शदीप सिंह टॉप पर है, 3 मैच में 5 विकेट। हार्दिक पांड्या भी 3 मैच में 5 विकेट और माइकल ब्रेसवेल 3 मैच में 4 विकेट है। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं हार्दिक पांड्या, 3 मैच में 66 रन 5 विकेट। तो प्लेइंग 11 देख लेते हैं। भारत की टीम में ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, कुलदीप सिंह यादव, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल की जगह इनको जगह दिया गया है और अर्शदीप सिंह है। न्यूजीलैंड की टीम में है फिन एलन, ड्वेन कॉनवे, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेटनर, माइकल ब्रेसवेल, बेन लिस्टर, इस सोड़ी, लोकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइए। मिलते हैं नए खबरों के साथ एक नए वीडियो में।